आज देश भर में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन नाग कुल के सभी नागों की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन विधि विधान के साथ नागराज की उपासना करने से सर्प दंश और काल सर्प जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नाग पंचमी की इस पावन तिथि पर नाग देवता की पूजा और उन्हें दूध चढ़ाने की प्राचीन परंपरा जीवित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन सर्प को दूध पिलाने का क्या महत्व है? आइए इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे छिपे धार्मिक और ज्योतिष रहस्यों को जानते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वह इस दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन यानी आज सांपों को दूध अर्पित कर सकते हैं और करते भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता को दूध पिलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और जीवन से सभी प्रकार के भय का नाश होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का संबंध सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिनके गले में सर्प विराजमान होते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध चढ़ाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पहले के समय में सपेरे गली गली घूमा करते थे। उनके पास अलग अलग प्रजातियों के सांप होते थे और नाग पंचमी के दिन लोग इन सांपों को दूध पिलाते थे। इसके बदले वह सपेरे को कुछ पैसे दिया करते थे, लेकिन समय के साथ सपेरों की संख्या घट गई है। आज भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके गहने रूपी नाग देवता को दूध अर्पित करने से आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली के हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि नाग पंचमी पर सर्प को दूध पिलाने का प्रचलन सदियों पुराना है। आइए जानते हैं उन्होंने लोकल 18 से इस बारे में क्या कहा। जैसा कि कच्चा दूध होता है वो बहुत ही हितकारी होता है, तो यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका बहुत ही फल प्राप्त होता है। जैसा कि सभी हमारी राशियां भी हैं, 12 राशियां, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इसी प्रकार से जैसे नाग पंचमी का पर्व आता है, तो नाग पंचमी के पर्व के दिन यदि हम सर्प को भी दूध पिलाते हैं, उनका भी संबंध भगवान शंकर से ही है, क्योंकि वे भगवान शंकर जी के एक हार के रूप में है, उनका एक आभूषण है और उनको भी दूध प्रिय होता है। और यदि उनको हम कच्चा दूध विशेषकर गाय का दूध पिलाते हैं तो हमें सभी, पहली बात तो यह कि जो काल सर्प से पीड़ित हैं व्यक्ति, उनको बहुत ही लाभ होता है और उनके ग्रहों की शांति होती है। और अन्य जो राशि वाले हैं या कोई भी अन्य 12 राशि वाले हैं, उन सभी के ऊपर उसका श्रावण मास के दौरान अगर हम सर्प को दूध पिलाते हैं तो सभी ग्रहों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारे जो ग्रहों का जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलती है और हम निरोगी रहते हैं और भोले शंकर जी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। लोकल 18 के लिए हरिद्वार से ओम प्रयास की रिपोर्ट।